से रिक्वेस्ट करूंगी आप ऐसा मत करो, आप अच्छा गाना गाओ, कोशिश तो करो, कोशिश करने वाले की हार कभी नहीं होती है। आई नो कि आपके साथ गलत जो बेटियां हैं, ऐसी बेटियां वो इस बढ़ावे का गलत फ़ायदा उठा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ लिटिल बैड। ऐसा गाना क्यों गा रही हैं कि हमें, हम जो सामाजिक लोग हैं उनको वो गाना बंद करना पड़े और सुनने में भी शर्म आए, तो ऐसा गाना ना गाएं। और आपसे ये कहती है कि हम ऐसा गाना नहीं गाएंगे तो लोग सुनेंगे नहीं, जो वो सुनते हैं वही हम सुनाते हैं। तो मैं कहती हूँ आप ऐसे गाना गाती हैं जहाँ लोग इसके जुबान पे लाने में भी शर्माते हैं, रील्स तो दूरी की बात है। तो गाने बहुत काम मौजूद हैं और इनकम टैक्स के पास मौजूद हैं। हमारे साथ में रूपम जी हैं, पटना लॉ कॉलेज की स्टूडेंट हैं और ख़ास करके चर्चाओं में रहती हैं, और क्योंकि चर्चा में इसलिए रहती हैं कि बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। देखिए भोजपुरी के सिंगर हैं तानिया झा, तानिया झा का आप नाम सुने ही होंगे, और यूट्यूब पर सर्च करेंगे और गूगल पर सर्च करेंगे तो बहुत सारे वीडियो और गाने आ जाएंगे, इंटरव्यू आ जाएगा। गाने का तो बात कर ले तो अश्लील से भरा, एकदम भरा हुआ, कचम खच भरा हुआ, अश्लील से भरा हुआ गाना आ जाएगा। देखिए कहीं ना कहीं समाज को है ना दूषित करने वाला गाना गाती है। कभी कोई अगर गाना गाना ही है तो ऐसा कोई गाना गाया जाए जिससे कहीं ना कहीं समाज प्रेरित हो, समाज में कुछ अच्छा संदेश जाए, हम लोग ये प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले ही मेरा इंटरव्यू जाके देखिएगा, तान्या झा से तुतु मैं हो गया इसी बात को लेकर कि तान्या झा अपने ऊपर अड़ गई कि हम जो है गाना अश्लील गाएंगे इससे हमारा पेट चलता है। देखिए बात कर लें हम, रूपम जी हमारे साथ में मौजूद हैं। रूपम जी बहुत दिनों के बाद मिले, कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे को बुलाने के लिए। मैं पटना लॉ कॉलेज की नहीं, दूसरे कॉलेज से लॉ के स्टूडेंट हूँ, नाम नहीं लूंगी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए। अचानक से इत्तेफाक से मिल गए, बहुत बड़ी बात है। सही बात है, बहुत बड़ी बात है। और भोजपुरी के मुद्दे पे अभी आप लोग देखे होंगे अक्षरा जी के साथ तो 1-to-1 वगैरह मेरा हुआ, अलग मैटर है। लेकिन यहाँ मैटर इसलिए अक्षरा जी का नाम लेना मैं इसलिए उचित समझ रही हूँ क्योंकि आप मेरे से पूछ रहे हैं भोजपुरी का जो नाम है वो ख़राब कर रहा है, कर रही है तान्या झा वगैरह जो भी है। तो आप एक तरफ से अगर तान्या झा ये कहती है कि हम ऐसा गाना नहीं गाएंगे तो लोग सुनेंगे नहीं, जो वो सुनते हैं वही हम सुनाते हैं, तो मैं कहती हूँ कहीं ना कहीं आप गलत हैं। आप जब ये गा रही हैं तब लोग सुन रहा है। आप अक्षरा सिंह को देख लीजिए, खेसारी लाल यादव को देख लीजिए, ये लोग भी तो अच्छे गाने गा के आज पॉपुलर हैं, अच्छा नाम है, अच्छा फेम है, लेकिन और उनके साथ लोग सेल्फी बकायदा लेना चाहते हैं। लेकिन तान्या झा वन ऑफ द मोस्ट कह सकते हैं वर्स्ट सिंगर है, हाँ, जो कि अपना पहचान बनाने के लिए कुछ मतलब तो गंदे गंदे गाने को करके भोजपुरी को बदनाम कर रही है। वो तो कह रहे हैं कि पैसा अगर किसी को बुरा लगता है तो हमारे पास 50,000 रुपया ला के दे दीजिए, हम गाना नहीं गाएंगे, ऐसा गाना नहीं गाएंगे। अरे भाई तो देखिए आप गाना क्यों गाती है, कमाने के लिए? आप अच्छे गाने गाइए ना, समाज को सुधारने का बहुत सारा, मेरे पास खुद ऐसा कुछ प्रोजेक्ट आया, जैसे अभी गायघाट रिमांड होम का एक प्रोजेक्ट आया है, वेब सीरीज है, तो ऐसा करने से तो इसमें लाखों रुपया कमाई होता है। आप एक गाना से क्या आप ऐसा वेब सीरीज बना दीजिए, आपके आप छोटा सा जो इतना आप रफ गाना गाइए, ठीक है, अब जो गा दी सो नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते उसको। नहीं नहीं, अब जो गा दी सो गा दी, उस पैसे से आप कुछ अच्छा अब गाना गाइए जिससे आपको लोग सुने। अगर आप ऐसा करेंगी तो लोग आपके साथ सेल्फी तक लेने में घबराएंगे, आप कितने भी फेमस हो जाइए। लेकिन हाँ, तान्या जी का झा का एक मैं छोटा सा क्लिप सुनी हूँ, स्क्रॉल कर रही थी फेसबुक पे, तो कि मैं भी मात खाई हुई लड़की हूँ, तो हो सकता है कि उनकी निजी जिंदगी में ऐसा बहुत उतार चढ़ाव आया होगा, बकायदा आया ही है जस्ट बिकॉज ऑफ सी इज गर्ल, और बिहार है, बिहार की बेटी है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी आप ऐसा मत करो, आप अच्छा गाना गाओ, कोशिश तो करो, कोशिश करने वाले की हार कभी नहीं होती है। आई नो कि आपके साथ गलत हुआ है, आप जैसा बताती हैं आप भी बेबाकी से बातों को रखती हैं, लेकिन गलत गाना गा के आज मैं ही आपके बारे में बोल रही हूँ कि गलत गाना मत गाइए। क्योंकि एक अगर मान लीजिए ऑटो वाला है, वो तो इलिटरेट पर्सन होता है, अगर मैं जा रही हूँ, खुदा ना खास्ता कि अगर वो गाना अगर बजा देता है ऑटो वाला, तो मैं तो फिर ऑटो वाले से वो बोलूँगी बंद करो, इमीडिएटली बंद करो। और वही अगर कोई और सिंगर का गाना बजता है तो मैं तो बंद नहीं कराऊंगी। ऑटो वाला क्या बंद करवा देंगे, लेकिन सिंगर को नहीं बंद करवाएंगे। मैं उदाहरण दे रही हूँ कि आप सोचिए ऐसा गाना क्यों गा रही हैं कि हमें, हम जो सामाजिक लोग हैं उनको वो गाना बंद करना पड़े और सुनने में भी शर्म आए, तो ऐसा गाना ना गाएं। और आपसे रिक्वेस्ट है,
बंद तो होना ही चाहिए, लेकिन अभी ऐसा कोई मानने के लिए तैयार नहीं रूपम जी, मानने के लिए तैयार नहीं। ऐसे लोगों के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? होना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ सी इज गर्ल। और हमारे बिहार सरकार जो है नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री, वो भी बेटियों को बहुत सहारा देते हैं, बहुत बढ़ावा देते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो बेटियां हैं, ऐसी बेटियां वो इस बढ़ावे का गलत फ़ायदा उठा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ लिटिल बैड थिंग, यू नो। आप मजबूरी में अगर कुछ ऐसा करते हो, मजबूरी, आपने बीच में भी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था शायद इसमें गंगा न्यूज में कि मैं अश्लील गाने नहीं गाऊंगी, बट कंटिन्यूसली सी इज सिंगिंग, कंटिन्यूसली आ रहा है, अश्लील ही आ रहा है, दैट मींस यू आर रॉन्ग, डेफिनेटली यू आर रॉन्ग एंड यू आर शोइंग द आवर कल्चर बैडली। ओके, मतलब सारा जो समाज है उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट, तो ऐसे लोग को समाज से और भोजपुरी नृत्य से बहिष्कार करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उनके गानों का ना कि उनका, क्योंकि तानिया झा भी जो बताती है, जो बेबाकी से बात रखती है, मैंने कुछ सुना है, जो वो गा रही है वो खराब है, लेकिन व्यक्तिगत अगर उनको देखा जाए तो मुझे नहीं लगता खराब है, बट वो ये चीज कर रही हैं इसलिए लोग उनको गलत बोल रहे हैं। गलत गाना, अश्लील गाने, ये इसका बॉयकॉट तो होना ही चाहिए। अश्लील गाने से बहुत सारा बहुत प्रभाव पड़ रहा है कि लोग देखिए कहीं ना कहीं ये गलत चीजों को, छेड़खानी को, लड़कियों के मतलब कहते हैं ना वुमेन मोडेस्टी को, आपने अभी महिला समझ सकती है कि अगर ये इस तरह गाना, बिल्कुल मैंने भी क्या बोला, इसीलिए मैंने उदाहरण दिया ना कि अगर कोई गाना ऑटो में बजाता है इसको, तो मैं तो उसको बंद करवा दूंगी, अगर कोई और गाएगा, और उससे क्या होगा, जब बंद होगा तो हो सकता है कोई डिस्प्यूट हो जाए हमारे और ऑटो वाले के बीच, है ना। तो ऐसे ऐसे गाने में एक छोटा सा हो सकता है, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप गंदे गाने ना गाए, हमारा समाज खराब हो रहा है और हमारी जैसी बेटियां इस गाने को नहीं सुनती है और हमारा भी इज्जत जा रहा है। एक लड़की की वजह से सब बदनाम हो रही है, पब्लिकली उनका गाना बजने लायक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे बेटियों के ऊपर गाइए ना, शराब बंद कर दो, बहुत सारे टॉपिक्स है, शराब पे गा लीजिए, बेटियां जो आगे बढ़ रही हैं उन पे गा लीजिए, फिर आपका आजकल जैसे कैसे लव मैरिज शादी हो रहा है उस पे गा लीजिए, भोजपुरी में तो कुछ पे भी गाना बन जाता है, कुछ पर भी पैमाना नहीं है कोई। अरे आप ऐसे गाना गाइए कि लोग रील्स पे रील्स बनाए, आप ऐसे गाना गाती हैं जहाँ लोग इसके जुबान पे लाने में भी शर्माते हैं, रील्स तो दूरी की बात है। तो गाने बहुत गा सकते हैं, बस ये एक पब्लिक सिटी स्टंट कहिए, लेकिन मैं कहती हूँ पब्लिक सिटी स्टंट कहीं ना कहीं ठीक है, बट इन गुड वे, नॉट बैड वे, है ना। गलत वे में अगर आप करते हैं तो फिर आपका चलिए बेहतर, बहुत बेखूबी से इन्होंने बात रखा। देखिए तान्या झा एकदम अश्लील गाना गाती है, ये लोगों ने बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया कि अश्लील गाना गाती है, कहीं ना कहीं समाज में गलत इफेक्ट पड़ रहा है, खास करके बहन बेटियों के ऊपर जो गाना गाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को लक्ष्मी की तरह माना जाता है, घर में बेटी का बहुत बड़ा सम्मान होता है, क्योंकि उसके उसके ही सम्मान के खातिर, उनके ही आबरू के खातिर अपने जो उनके बेटे होते हैं, भाई होते हैं, पिताजी होते हैं, वो लड़ जाते हैं, किसी से कत्ल हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं ऐसे ऐसे गाना अगर अपने समाज की लड़कियां गाती हैं तो कहीं ना कहीं समाज में दुष्प्रभाव पड़ेगा। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, और रूपम जी ने जो प्रतिक्रिया दिया उस प्रतिक्रिया पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।